1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं, 99.1% 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं। मेरा सवाल हर जगह यही होता है कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेज़न पे खरीदते हैं। हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे IIT से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है, देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को, सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेज़न को यूज करके कुछ 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 खरीद रहे हैं उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। कुछ अलग करें, कुछ बड़ा करें, और कुछ अलग करने से पहले, बड़ा करने से पहले आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने सोच को डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में पढ़े लिखे युवा हमेशा जॉब के पीछे भागते हैं। ऐसा लगता है कि जॉब ही उनके लिए सब कुछ है, लेकिन ये सच नहीं है। इतना अच्छा स्किल्ड लेने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो बहुत ऐसी क्वालिटी हैं जिसके दम पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे कि अपने बेनिफिट्स के साथ साथ हमारा देश भी आगे जाएगा। आज इस वीडियो से आपकी आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस स्पीच को किसी पॉलिटिक्स वे से देखते हैं तो शायद आपको चीजें कम समझ में आएंगी, बट एज अ नॉर्मल पर्सन, स्टूडेंट्स, टीचर, बिजनेसमैन, वर्कर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के व्यू से देखते हैं तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये स्पीच किसी पॉलिटिक्स व्यू से नहीं बल्कि एक नेशन व्यू से दिया गया है, जिसमें युवाओं के हक के लिए बताया गया है। इसमें मनीष सिसोदिया जी ये बताते हैं कि आप जहाँ पे हैं, आपकी जो भी कंडीशनिंग है, आपको उससे बाहर कैसे निकलना है, आपको एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, जहाँ से आप सिर्फ खुद को नहीं या फिर एक दो लोग को नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड कर सके। देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कम लोग बॉर्डर पर मारे जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है, और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो, और अगर बड़ा करने की, नया करने की, कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटिव तरीके से करने की हिम्मत पैदा होगी तो ना सिर्फ ये अपने लिए बल्कि हजारों हजार लोगों के लिए और नई नई नौकरियां क्रिएट करते रहेंगे। 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट करना छोटी बात नहीं है। देश की सारी सरकारें मिलकर 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती हैं, जितना एक लड़के ने खड़े होकर करके दिखा दिया, या एक छोटे से लड़के, मतलब क्या IIT के ग्रेजुएट ने 10 साल के अंदर अंदर खड़े करके 3-4 लड़के मिले, ये लोगों ने करके दिखा दी। सारी सरकारें मिलकर उतनी नौकरियां नहीं पैदा कर सकती हैं। कितनी पोजिशन क्रिएट करोगे आप सरकारों में? कंपनियां, एग्जिस्टिंग कंपनियां कितनी पोजिशन क्रिएट करोगे? वहां से नहीं निकलेंगी, नया सोचने से, बड़ा सोचने वालों की निकलेंगी। और आज अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें जॉब्स बढ़ने वाले नहीं है। वहां तो जॉब्स बड़े बड़े लोगों को IIM से निकलने के बाद, IIT से निकलने के बाद इसलिए दिए जा रहे हैं कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए का पैकेज देंगे, आप ऐसा करो कि हमारे यहां से 5,000 लोगों की रिक्वायरमेंट कम कर दो, ऐसा काम करके दिखाओ। तो बड़ी कंपनियों में जॉब्स नहीं निकलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें ज्यादा जॉब नहीं निकलेंगे, वहां तो इसी काम के लिए है। और सबसे बड़ी चीज नया, आज की तारीख में मार्केट में जो नौकरियां हैं उनके लिए तो हमें बच्चों को तैयार करना ही करना है, लेकिन साथ साथ ऐसी नौकरियां जो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। और दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप सोच के देखिए कि किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां से निकल के उसी माइंडसेट के साथ कि नौकरी करनी है, जाके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली,
अब नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हम और आप मिलके बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे IIT IIM भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं, तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद, अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद, आप सबके हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि बच्चा किसी भी ग्रामर, किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के किसी भी करिकुलम में गलती नहीं करेगा। वो इस बात को समझेंगे कि हमने बच्चे को स्किल्स तो दे दिए, नॉलेज तो दे दी, पर उस नॉलेज का बच्चा क्या करे, उस नॉलेज के सहारे अपनी जिंदगी कैसे जिए और दूसरों को जीने में मदद कैसे करे, उसको अगर अप्लाई करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम को समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को समझना पड़ेगा। और मैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, दुनिया देखे ना देखे, हमें तो अपनी प्रॉब्लम भी तो देखनी है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी है? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो PhD पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने PhD की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है कि अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, सुपर पावर बनने से। अगर हमको भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, भारत की इकोनॉमी को लेके हम कुछ सपना देखते हैं कि हमारा देश भी अमीर हो, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश का ब्रेन हमारे देश की इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे। अभी हमारा देश का इकोनॉमिक ब्रेन अमेरिका और यूरोप के देशों की को इकोनॉमिक पावर बनाने में लगा हुआ है। और मैंने कहा सिर्फ नौकरियां नहीं, सिर्फ बिजनेस नहीं, नौकरियां भी करें तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करें, कि हिम्मत हो तो एक तांगे वाले से दुनिया के सबसे बड़े मशहूर मसाले वाले के रूप में भी जिंदगी जी जा सकती है। तांगे वाले से जिंदगी शुरू करके सियालकोट से आके आपने भारत में एक तांगे वाले की का काम शुरू किया, और तांगे वाले से लेके आज हम में से कौन नहीं जानता है इनको, इनके प्रोडक्ट कौन नहीं यूज करता है, दुनिया के किस मुल्क में इनके प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे हैं, कितने हजारों लाखों लोगों को इनके वजह से नौकरियां नहीं मिल रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, आप सोच के देखिए। ऑलमोस्ट कॉलेप्स होने के कगार पे खड़ा हुआ एक परिवार हिम्मत से खड़ा होता है, और जब हिम्मत से खड़ा होता है तो सिर्फ बड़ा करता है, नया करता है, और ऐसा करता है कि हजारों लड़के लड़कियों को उससे नौकरियां मिलने लगती हैं। IAS बनो तो उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए, आप एजुकेशन ऑफिसर बनो तब भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए, आप एक स्कूल के प्रमोटर बनो, आप प्रिंसिपल बनो, आप 50 बच्चों के क्लास के क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बनो, वहां भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। जो शानदार काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ, अंतर सिर्फ इतना ही है। उन प्रिंसिपल्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, उन टीचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे लाखों बच्चे नया सोचें, बड़ा सोचें, भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ सोचें और रचनात्मक सोचें, क्रिएटिविटी के साथ सोचें। दोस्तों, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए हैं जहां पर आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं और आज भी आप उसी जगह पर हैं जहां पर आप पहले थे, आपकी ग्रोथ रुक गई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इन्विटेशन नहीं आ रहा है, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आपकी टीम बिल्डअप नहीं हो पा रही है, आप बिल्कुल थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं, MLM को क्विट करने का मन करता है, आपको ये लगता है कि आप बहुत ही बेबस हो गए हैं क्योंकि अब न आप आगे जा पा रहे हैं और ना ही पीछे आ पा रहे हैं,
क्योंकि जो आप लोगों से कमिटमेंट्स कर दिए हैं कि हम ये बनेंगे। तो गाइस, इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है हमारा ये ईबुक और ऑडियो बुक, जो आपकी पूरी हेल्प करेगा। और गाइस, इतना ही नहीं, अब तक इससे लगभग 2000 से ज्यादा लोग अच्छा रिजल्ट ले चुके हैं और अब वो अपने लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें इन सबसे शिकायत नहीं है। अब वो बिजी है अपनी टीम को बिल्डअप करने में, क्योंकि टीम बन चुकी है, अब उसको गाइड कर रहे हैं, अब उसको बिल्ड कर रहे हैं और अपने अगले रैंक को भी अचीव कर रहे हैं। क्योंकि इस ईबुक में और ऑडियो बुक में MLM के हर एक प्रॉब्लम्स का सलूशन है। आपकी चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको इसमें उसका सलूशन मिल जाएगा और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपको दोबारा आएंगे भी नहीं। तो गाइस, इस ईबुक का और ऑडियो बुक का दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लिंक पर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके ईबुक ऑडियो बुक आपकी जो मर्जी करे आप वहां से ले सकते हैं। ये एक डिजिटल ईबुक है जो आपके मोबाइल में सेव रहेगा और जिसे आप जब चाहे, जहां चाहे, जिस मोमेंट में चाहे रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सो गाइस, देरी किस बात की, फटाफट जाइए ईबुक को परचेज कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।